अच्छा, ये है हमारी सेकंड प्रेजेंटेशन। सेकंड प्रेजेंटेशन में हम क्या देखेंगे? प्रोडक्ट हंटिंग के क्राइटेरिया से रिलेटेड और ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटर से काम किस तरह करना है, वो टोटली सारी चीजें इसमें हम देखते हैं। अंडरस्टैंडिंग ब्रांड एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, ठीक है, हम उनको किस तरह से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, किस तरह से उनको ढूंढ सकते हैं। ब्रांड क्या होता है, मैन्युफैक्चरर क्या होता है? कोई एक प्रोडक्ट को बना रहा है, वो मैन्युफैक्चरर कहलाएगा या ब्रांड कहलाएगा। ब्रांड और मैन्युफैक्चरर अलग अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, मोस्टली सेम होते हैं। अच्छा, हम ब्रांड से जो है अगर काम करते हैं, बेनिफिट्स क्या है ब्रांड से काम करने के? ब्रांड से काम करने के बेनिफिट्स ये हैं कि आपको सबसे ज्यादा कम प्राइस ब्रांड से मिलेगी, सबसे ज्यादा हाई प्रॉफिट जाहिर सी बात है उसी से मिलेगा, और आप उनको अकाउंट खोलने के लिए जब बात करती हो तो वो जो है होलसेल के लिए या रिटेल के लिए आपको अकाउंट खोल देंगे। लेकिन रीसेल करने की अगर उसने इजाजत दे दी है, अप्रूवल दे दिए, तो लेकिन कंपटीशन भी उसमें कम होगा। लेट सपोज हर कोई ब्रांड को अप्रोच नहीं कर सकता। मैं आपको मिसाल दूं कि 50 ब्रांड को अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो मुश्किल से 5-6 ऐसे होंगे कि आपको अप्रूव कर दें। मोस्टली ब्रांड सीधी सी बात है, सिंपल अल्फाजों में मुंह नहीं लगाते, ठीक है। डाउन साइड की अगर बात करें तो ब्रांड के समटाइम्स जो एमओक्यूज होते हैं, एमओक्यूज मीन्स मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, ये एमओक्यू है। लेट सपोज ब्रांड आपको कहता है कि अगर मुझसे काम करना है तो आप मुझसे $5,000 का माल ले लो या $10,000 का माल ले लो तो मैं आपके साथ काम करूंगा, एकदम में आपको इन्वेंट्री लेनी पड़ेगी $5,000 या $10,000। अदरवाइज आप मुझसे सालाना एग्रीमेंट कर लो $1,00,000 का, $1,00,000 का सालाना एग्रीमेंट कर लो, पूरे साल में आपको $1,00,000 का माल लेना पड़ेगा। अच्छा, अब चलते हैं डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर कौन होता है? डिस्ट्रीब्यूटर ये होता है कि जाहिर सी बात है कि ब्रांड से ले रहा है और फिर वो मार्केट में होलसेलर्स को दे रहा है या रिटेलर को दे रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर्स वो होता है। डिस्ट्रीब्यूटर्स के बेनिफिट्स क्या होंगे? एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास मल्टीपल ब्रांड्स होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर से काम करने के हमें फायदे क्या होंगे? मल्टीपल ब्रांड्स मिलेंगे, बड़ी कलेक्शन होगी। क्यों? क्योंकि एक ब्रांड के पास ब्रांड की प्रोडक्ट्स मिलती हैं, अगर हायर के पास आप गए तो हायर की खाली प्रोडक्ट्स मिलेंगी, और अगर डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाओगे तो आपको जो है हायर भी मिलेगा, सैमसंग भी मिलेगा, एलजी भी मिलेगा, आपको मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूटर्स मिलते हैं। और डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ काम करने में उनकी रिक्वायरमेंट भी बड़ी कम होती है अकाउंट ओपनिंग करने की, अकाउंट खोलने की, और उनके एमओक्यूज भी ज्यादातर मोस्टली नहीं होते, ठीक है। डाउन साइड की अगर बात करें तो डाउन साइड में आपको प्राइसेस जो है डिस्ट्रीब्यूटर की ब्रांड से थोड़ी सी महंगी मिलेगी और कंपटीशन ज्यादा मिलेगा। क्यों? क्योंकि ब्रांड हर किसी को नहीं देता, ब्रांड जो है हर किसी को नहीं देता, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर हर किसी को दे रहा होता है, तो डिस्ट्रीब्यूटर में आपको कॉम्पिटिशन ज्यादा मिलता है। क्यों? क्योंकि वो हर किसी को अलाउ करता है रीसेल करने के लिए, ठीक है। तो ये आपके डिस्ट्रीब्यूटर के फायदे, और ये आपके डिस्ट्रीब्यूटर के नुकसान, मतलब नुकसान से मुराद ये है कि आपका डाउन साइड है।